सभी तो आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में तो दोस्तों स्वागत है। 15 ओवर 126 रन 3 विकेट के नुकसान पे राजस्थान रॉयल्स। भाई चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जल्दी जल्दी से 100 लाइक कर दो, 100 व्यूज। यहाँ पे परफेक्ट गेंद डाली है, पहली बार खेल रहा हूँ मैं रियल क्रिकेट। मैनुअल पीछे जाए तो ये इधर आएगा, ये पीछे जाएगा, बजा क्यों नहीं, ओ ये जाए नहीं, बराबर 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 डिफेंड वाला ही बराबर। चलो 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 डिफेंड तो रखो और यहाँ पे परफेक्ट गेंद तो नहीं है, पीछे ही फील्डर जाइए गेंद, दो रन की मांग रही है, दो रन किया, एक रन मिल गया आसानी से। विकेट चाहिए है हमको भी, इधर से ज्यादा अच्छा है अंदर वाला। विकेट के नुकसान पे स्लोअर रन डालते, चलो ये बहुत दूर हो जाता है मेरा और ये पकड़ किया, दो रन मिल सकते हैं आसानी से, ये भी है कुछ और यहाँ पे मिल गए आसानी से दो रन। तीस मिनट तक तक है तब तक क्या वाइड हो गई गेंद, वो परफेक्ट गेंद क्या वाइड हो गई, नहीं पीछे मैं दो रन मिल गए आसानी से। और यहाँ पर फिर से एक और परफेक्ट गेंद, ये बात है विकेट नहीं, पीछे फील्डर एक रन आसान से। क्या शॉट मारा बेन स्टोक्स भाई साहब, कोई बात नहीं चैनल पर नहीं होता तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज। चक्कर करने पड़ेगा 17 ओवर के बाद 142 तो 3 विकेट। और यहाँ पे और एक बार गेंद परफेक्ट है और यहाँ पे अच्छा प्ले किया,
बेन स्टोक्स क्या बल्लेबाज है। बॉलिंग करता हुआ राहुल चहर इधर से ज्यादा अच्छा है अंदर वाला। और यहाँ पर एक परफेक्ट गेंद और यहाँ पर क्या बॉल मारी चकमा ही दे दिया पूरा। और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है राहुल चहर। और यहाँ पे एक और बार ग्रीन बार के थोड़ा नीचे लेकिन नीस ओवर से आए चार रन। हार्दिक पांड्या को देंगे ओवर। और यहाँ पे क्या गेंद डाली अंदर आती हुई। नेक्स्ट दो ओवर में और यहाँ पे वाइड होगा ये तो। हार्दिक पांड्या ने महज दो ओवर में 13 रन दिए। और यहाँ पे और एक गेंद डालते हुए भी यहाँ पे ट्रेट मारा है पीछे फील्डर लेकिन एक रन आसानी से। और यहाँ पे और एक गेंद डालते हुए और यहाँ पे क्या गेंद डाली बल्लेबाज को कोई मौका ही नहीं दिया। एक रन से खुश होना पड़ेगा स्टीव स्मिथ को। 150 रन पूरे हो चुके हैं 150 रन पूरे हो चुके हैं मानना पड़ेगा हमको भी। दो रन मिल चुके हैं इधर आसान से मिले 2 रन। और यहाँ पे क्या लैग मारा था। लास्ट ओवर 153 लास्ट ओवर है 153 154 रन है किसको ओवर दे कुल रन नहीं। ये पहली ओवर मतलब और यहाँ पे छग्गा मारा देख लो रिप्लाई। और यहाँ पे और एक बार शायद तक ग्रीन बार पे टच होती रही है हुई है। और एक रन स्पीस में बोलते हैं मैं स्ट्राइक लूंगा आप देख खड़े रहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा रह गया और यहाँ पे छक्का मारेंगे और यहाँ पे छक्का भी नहीं एक रन से सिर्फ काम चलाना पड़ेगा। आखिरी 3 बॉल और यहाँ पे प्ले किया लास्ट ओवर में प्ले डॉट बॉल। क्या बॉलिंग कर रहा है कुट्टन नाई। और यहाँ पे क्या शॉट मारा
बेंच तो, और यहाँ पे 61 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों के बीच। यहाँ पे लास्ट बॉल फर्स्ट इनिंग और यहाँ पे 6 रन 174 का शायद तक टारगेट है क्या। 120 बॉल 174 175 का टारगेट। और यहाँ पे आते हुए फील्डिंग टीम आ चुकी है और यहाँ पे बैट्समैन ओवर का ऑटो प्ले करने के बाद 131 पे 3 विकेट। 30 महज 30 गेंदों में 44 रन चाहिए हैं। और यहाँ पे क्या कैच पकड़ा है, थोड़ा लेट हो गए थे हम। काइरन पोलार्ड आ चुके हैं स्ट्राइक पे। काइरन पोलार्ड एक बार पहली बॉल में आते हुए 6 रन। अभी 28 गेंदों में चाहिए 38 रन। ये कहाँ पे जाएगी गेंद, और यहाँ पे आगे बढ़े लेकिन डॉट बॉल। और यहाँ पे क्या शॉट मारा है काइरन पोलार्ड। फील्डिंग में थोड़ा चेंज करते हुए यहाँ पे यॉकर होगी ये गेंद। ओ नहीं 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 अबे क्या हुआ, ये किस बात का आउट है। अबे उधर थोड़ी मारा उसने। एक रन देते हुए 16 ओवर के बाद 144 और 5 विकेट मुंबई इंडियंस। स्पिनर आते हुए बॉलिंग करने के लिए पहली बॉल मतलब दूसरी बॉल किसान किसान को स्ट्राइक देते हुए। बहुत ही गंदा शॉट मारा था मेरे निशान के सामने। 21 गेंद 28 रन। यहाँ पे पीछे फील्डर नहीं है यार बट्टन चौका ईशान किशन 48 रन मतलब भाई साहब 20 गेंदे में 28 रन चाहिए। अब 20 गेंद में 24 रन चाहिए। और यहाँ पे शॉट 6 रन इसी के साथ अपनी 50 पूरी करते हुए ईशान किशन बहुत अच्छी पारी खेल ली है आज। एक छक्का और एक चौका। बॉलर के टांगों के बीचों बीच बट्टा और चौका
ईशान किशन। पंद्रह रन चाहिए। अच्छा भाई कुणाल पांड्या 6 रन। यहाँ पे एक और गेंद डालते हुए बहुत लेट हो गए। महेश 2 रन चाहिए 15 गेंदों में। इस बॉल पे छक्का या चौका कमेंट में बताएं जल्दी से जल्दी। इस चक्कर के साथ इस मैच को जीत लिया मुंबई लेजेंड्स ने। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।